72 घंटे के भीतर भाजपा से विजयी उम्मीदवार ने पलटा पासा। भाजपा छोड़ तृणमूल में हुए शामिल राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। 72 घंटे पहले थे पीएम मोदी से प्रभावित, अब हुए ममता बनर्जी से प्रभावित। हाल ही में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने वायरन विश्वास ने पासा पलटते हुए तृणमूल का दामन थाम लिया था। हालांकि वायरन विश्वास को पासा पलटने में एक महीने का वक्त लगा था, लेकिन गोघाट एक नंबर ब्लॉक की भादूर ग्राम पंचायत के 206 नंबर बूथ से भाजपा के टिकट पर विजयी हुए संजय सात्रा ने महज 72 घंटे के भीतर भाजपा का दामन छोड़ दिया। भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जीत के बाद निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने पासा पलटा, उनका जीत का मकसद अपना निजी फायदा था। हालांकि दल बदलू संजय सात्रा ने कहा कि वह ममता बनर्जी के विकासमूलक कामों से प्रभावित होकर तृणमूल में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से प्रभावित होकर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। हालांकि इस घटना से मतदाता काफ़ी आक्रोशित है। 3 दिन पहले वह पीएम मोदी की अनुप्रेरणा से प्रभावित थे और 3 दिन बाद ममता बनर्जी की, ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते। गौरव की संजय सात्रा उस पंचायत के बड़ेश्वर बूथ संख्या 206 से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हुए थे, परिणाम आने के बाद जीते। गुरुवार को उन्होंने अपने हाथों में तृणमूल पार्टी का झंडा उठा लिया। इस दिन ब्लॉक अध्यक्ष विजय राय द्वारा उन्हें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के भलोबासी ताई ओते जोग दिला। দাদা আপনি কত নম্বর বুথ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন? আমি 206 নম্বর। জয়ী হয়েছিলেন? হ্যাঁ, বিজেপি থেকে জয়ী হয়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম। কি বলবো না, আমার তৃণমূলের কাজকর্ম দেখে খুব ভালো লেগেছে বা ভালো লাগে, তার জন্য আমি যোগ দিলাম।